कैसे करेंगे, हमें तो आंखें आवारा रखने की आदत बन चुकी है। उसका एक तरीका दिया कि जब हम अपने दुकान से मस्जिद जाए, मस्जिद से दुकान जाकर घर आए, इतने में स्टार्ट यू करे कि हम निगाह झुका कर जाए, निगाह झुका कर आए, इसे स्टार्ट ले ले। अल्लाह ने चाहा तो आहिस्ता 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 हमारी आंखें झुक जाएंगी। ए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दूसरी चीज आप गौर तो करें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आपने सुना तफसीर में ना, मुफ्ती कासिम साहब की तफसीर मैंने पढ़कर सुनाई, कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या हमें यह ज़िबा देता है कि ऐसे मोहब्बत करने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़कर किसी और को अपनाए, इनकी अदा को छोड़कर किसी और को अपनाए? क्या हमें यह ज़िबा देता है? नहीं, हम तो डरते हैं उससे कि अल्लाह के महबूब से नाराज ना। आशिक रसूल कैसा होता है? आशिक रसूल झूठ बोलने वाला नहीं होता है, आशिक रसूल झूठ नहीं बोलता है, आशिक रसूल नमाज़ नहीं कज़ा करता है, आशिक रसूल जुल्म ज़्यादती नहीं करता है, आशिक रसूल आतंकवादी नहीं होता है, शांततावादी होता है, आशिक रसूल प्यार आम करता है, आशिक रसूल मोहब्बतों के पैगाम देता है। और आशिक रसूल को देखना और सुनना है हमारे हिंद के महाराजा ख्वाजा को देखना, कैसे आशिक रसूल जिनकी निगाहें झुकी रहती थी, गुस्ताख की हिस्ट्री पढ़ लो निगाहें झुकी रहती थी, मखदूम माहिमे की हिस्ट्री पढ़ लो निगाहें झुकी रहती थी, मखदूम पिछू छा की हिस्ट्री पढ़ लो निगाहें झुकी रहती थी, आला हजरत को देख लो जितने मशाई थे सबको देख लो निगाहें झुकी रहती थी। ए मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आए हम नियत करें कि इंशाअल्लाह हमारी भी निगाहें अब झुकी रहेगी, और इसको इस पर अमल पर इस्तकामत पाने के लिए क्या जरूरी है? अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने रसूल के साथ मदनी काफिलों में सफर करो, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिले में सफर करने के बरकत से कितनों की बिगड़ियां बन गई, कितनों को ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम के जलवे नजर आ गए। क्योंकि जब मदनी काफिले में बंदा होता है इधर उधर के ख्यालात से बचा हुआ रहता है, ऊपर देखे तो मस्जिद शरीफ की छत नजर आती है, नीचे देखे तो मुसल्ला नजर आता है, राइट साइड देखे तो मस्जिद की मुबारक दीवार, लेफ्ट साइड देखे तो मुबारक दीवार, फर्स्ट साइड देखे क़िबला के जाने इस मुबारक दीन के लिए जिस दीन के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तबलीग दीन करते रहे, बड़ी मशक्कतें झेली, तकालीफ झेली, रुजवात में शिरकत की, बहुत कुछ किया उस दीन की खिदमत के लिए, हम भी आगे बढ़कर मदीने काफिले में सफर करेंगे। कौन सा नियत करता है? आपके पास मदनी काफिला बसते के जो बैनर लगे हुए हैं चले वहां पर आप अपने अपने जिम्मेदारान को नाम लिखवा दे, कोई आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ले कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम भी मोहब्बतों के नजराने पेश करें और मदनी काफिले के मुसाफिर बने। वहां जाने से पहले जहां बोर्ड लगे हुए हमारे आशिकाने रसूल रहेंगे।